लेट्स कंटिन्यू विथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. आज हम कोन के क्वेश्चंस कर रहे हैं. तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेंथ ऑफ तारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक. आपके पास एक तारपोलिन है, हाँ, वो ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर शेप में होगा. उसे आप क्या बनाना चाह रहे हो? आप बनाना चाहते हो एक कोन, एक कोनिकल टेंट बनाना चाहते हैं. और ऑब्वियसली उसका CA से ही यूज़ होगा. बेस में देखो घास है, हाँ, इसके अंदर बेस में घास है. इधर सिर्फ CA से बनाने के लिए मटेरियल यूज़ होगा. तो बोल रहा है व्हाट लेंथ ऑफ तारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर. हमको कोन की हाइट क्या गिवन है? 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर और रेडियस दे रखी है 6 मीटर. अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ तार मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर. जो फोल्ड वोल्ड करने के लिए जो वेस्ट हो रहा है एक्स्ट्रा, वो आपको चाहिए 20 सेंटीमीटर. हमको एक्स्ट्रा क्लॉथ चाहिए, एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर. बाकी सब मीटर में है, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.2 मीटर. और यहाँ दिया है पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है. तो बेटा एरिया ऑफ क्लॉथ, एरिया ऑफ क्लॉथ या तारपोलिन किसके इक्वल होगा? रिक्वायर्ड, क्या बना रहे थे हम? कोन. तो दिस इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन या CSA ऑफ टेंट. तो यहाँ पर हमारा एरिया का फॉर्मूला आएगा L इंटू बी. CSA ऑफ कोन इज पाई आर स्मॉल L. जैसे ही L आया आपको याद आना चाहिए कि यहाँ पर हाइट है, रेडियस है, L तो है ही नहीं. तो L निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम या फॉर्मूला ये L स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो 6 और 8 के साथ 10 आता है, हाँ. तो ये 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ऐड किया 100. 100 किसका स्क्वायर है? 10 का. तो स्लांट हाइट की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 10 सेंटीमीटर. तो L की वैल्यू आपकी आ गई है 10 सेंटीमीटर. तो L इंटू बी, L हमें पता है 3, ब्रेथ हमें पता है 3, L हमें पता नहीं है. इक्वल टू पाई इज 3.14, रेडियस है हमारी 6 और स्लांट हाइट हमारी आई है 10. तो 3 से 6 कैंसिल होता है. 3 1 3, 3 2 6. 314 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 628 हो गया. और डेसिमल एक प्लेस छोड़ के एक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 62.8 मीटर. दिस इज़ द लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड. पर हमें क्या बोला था? एक्स्ट्रा क्लॉथ कितना चाहिए? 0.2 मीटर. तो इसको ऐड कर दें तो 63 मीटर लेंथ. हमको जो कपड़े की लेंथ चाहिए दैट इज 63 मीटर. हम 63 मीटर कपड़ा लेंगे तो हम ये वाला कोनिकल टेंट बना पाएंगे. क्वेश्चन क्लियर है? जो भी आपकी लेंथ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी. तो L इंटू बी इक्वल टू पाई आर L. हाँ, तो ये लेंथ हमारे पास, ये ब्रेथ थी, यहाँ से ये लेंथ आई, ये जो भी लेंथ आई उसमें 0.2 मीटर ऐड करेंगे तब आएगा. तो आपका 63 मीटर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या दिख रहा है? कोनिकल टॉम्ब, हाँ, कोन के शेप का टॉम्ब है. अब इसको आपको वाइट वॉश करना है बाहर से. तो द स्लांट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम्ब आर, हमको क्या बोल रहा है कि इसकी स्लांट हाइट मतलब L, L की वैल्यू और बेस डायमीटर आर 25 एंड 14 मीटर. तो रेडियस क्या हो गई? 7 मीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट CSA. हमको इसके CSA पे वाइट वॉश करना है, सिर्फ बाहर वाले एरिया पर, हाँ, सिर्फ ये वाले एरिया पे, बाहर के CSA पे. तो हमको कॉस्ट निकालनी है तो हम पहले CSA निकालें. तो CSA का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल. पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7, ऐसे भी रेडियस 7 है, कैंसिल हो जाएगा. L इज 25. तो 7 1 7, 25 2 50, बचेगा 550 मीटर स्क्वायर. दिस इज़ द CSA विच यू आर रिक्वायर्ड टू वाइट वॉश. तो अब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालना है तो कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट. तो एरिया तो आपका 550 है और रेट हमें क्या दिया है? 210
पर 100 मीटर स्क्वायर, तो डिवाइड बाय 100 होगा और आंसर किस में आएगा, रुपीज़ में। तो दो जीरो जो हैं वो कैंसिल हो गए, 55 को 21 से मल्टीप्लाई कर लो तो 21 5 105 होता है, बचेगा 10, फिर 105 ऐड करेंगे तो 115, तो आपकी कॉस्ट क्या आ गई, 1155 रुपीज़, 1155 रुपए में ये कॉनिकल टॉम बाहर से कवर कलर्ड हो जाएगा, जो भी कलर आपको करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोकर की टोपी, जोकर की टोपी का शेप भी क्या होता है आपका, कोनिकल। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। हमें बोला है 10 कैप बनानी है, तो कितना एरिया, आप तुम्हें पता है कि नीचे से खुला हुआ होता है, नहीं तो सिर पे कैसे आएगा। दिस इज ओपन फ्रॉम द बेस, टॉप से आपका ये ओपन होगा तभी वो हम उसको जो आपका सर्कुलर एरिया है वो ओपन होगा तभी सिर पे लगा पाएंगे, नहीं तो जाएगी नहीं सिर में, है ना। तो हमको यहाँ भी क्या निकालना है, ओनली सी ए से, तो एरिया ऑफ शीट फॉर 10 कैप्स इक्वल टू क्या होगा, 10 टाइम्स सी एस ए ऑफ कोन, फिर फॉर्मूला लिखें 10 टाइम्स बाय आर एल। अब यहाँ पर फिर से एल नहीं है आपके पास, तो आपको एल निकालनी है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 7 और 24 के साथ 25 आता है, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगी 625, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्लांट हाइट क्या आ गई, 25 सेंटीमीटर। वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, 10 मल्टीप्लाइड बाय पाई नहीं गिवन है, मतलब 22/7, रेडियस 7, स्लांट हाइट 25, तो 7 से 7 कैंसिल, 25 और 22 को अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, 550 आया था, एक 10 और है तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस मच एरिया ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड टू मेकिंग 10 सच कैप्स। ठीक है, इजी है, सी एस ए ऑफ कोन, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। अब आपको क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, कि बस स्टॉप को बैरिकेड करने के लिए आपने देखा हो तो ट्रैफिक पुलिस वाले भी कहीं भी बैरिकेडिंग करनी है, डायवर्शन करना है, तो दे यूज़ कोनिकल बैरियर्स, है ना, क्योंकि नीचे से स्टैंड हो जाएंगे और एरिया कम ऑक्यूपाई करेंगे, तो कोनिकल बैरियर्स इस तरह से यूज़ होते हैं, है ना, कोनिकल लगे रहते हैं जगह जगह डायवर्शन के लिए। तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बस स्टॉप इज़ बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स, 50 कोन यूज़ कर रहे हैं, हाँ एक नहीं 50, तो नंबर ऑफ कोन्स हमें क्या गिवन है, 50, सच दैट कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, ही तो प्लास्टिक के होते हैं, वो बोल रहा है रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से बने हैं, हर कोन का बेस डायमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर, तो बेटा रेडियस क्या हो गई, 20 सेंटीमीटर, एंड हाइट है 1 मीटर, हाइट दे रखी है मीटर में, रेडियस दे रखी है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो ये 0.2 मीटर हो जाएगी। व्हाट इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, वही जैसे अभी टॉम को पेंट किया था वैसे इन कोन्स को पेंट करना है, एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखी है 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, रेट क्या दे रखा है हमको, ₹12 per meter square, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, और यहाँ पाई की वैल्यू दी है 3.14 और रूट में 1.04 की वैल्यू 1.02 भी गिवन है, तो ये तुमको समझ जाना चाहिए देख करके कि ये आपका स्लांट हाइट का कैलकुलेशन होगा, स्लांट हाइट की वैल्यू ये आएगी। तो यहाँ पर हम देखें रेडियस है, हाइट है, स्लांट हाइट नहीं है, तो हम एल का फॉर्मूला लगाएं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर क्या होगा 0.04, 2 का स्क्वायर 4, डेसिमल दो प्लेसेस शिफ्ट होगा, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट में क्या आ गया 1.04, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1.02, तो स्लांट हाइट की वैल्यू क्या आ गई 1.02 सेंटीमीटर। तो हम सीधे ही कॉस्ट निकाल दें, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन्स इक्वल टू
50 मल्टीप्लाइड बाय सी एस ए ऑफ वन कोन मल्टीप्लाइड बाय रेट, हाँ जो भी रेट है, ऐसा हमने लिख दिया एक ही बार में हमने सारी चीज़ें लिख दी। तो 50 सी एस ए का फॉर्मूला हो गया पाई आर एल, रेट हमको क्या दिया है 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, हमने मीटर में ही कर रखा है। अब आप चाहो तो 12 और 50 को मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 5 60 और ये 0 600, पाई की जगह वैल्यू दी है 3.14, रेडियस आपकी है 0.2 और स्लांट हाइट हमारी आई है 1.02। ये हो गया सारी चीज़ें एक बार में। आंसर किस में आएगा? रुपीज़ में, क्योंकि मैं कॉस्ट निकाल रही हूँ डायरेक्टली। अब देखो यदि मैं यहाँ के डेसिमल हटाती हूँ तो अपॉन में दो ज़ीरो आएंगे, ये दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो कैंसिल, बाकी अब कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो सबको मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी मर्ज़ी आपको किसको किससे करना है। आई एम चूज़िंग 6 2 12, तो 102 को मैं पहले 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 12 2 24, 12 1 12, 1 2 24 हो गया। तो मैंने इसको 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 मल्टीप्लाई कर लिया, अब क्या बचा है 314, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 314 से, तो 4 से करेंगे तो 24 4 96, 12 4 48। आप सिंगल सिंगल करोगे 4 4 16, कैरी 1 4 2 8 और 1 9 आएगा वही, हाँ। तो यदि इस तरह से समझ में आता है तो कर सकते हो, 1 2 24 ही आएगा, 1 2 24 डबल क्रॉस, 24 3 72, 12 3 36, ऐड किया 384336, तो वैल्यू क्या आ गई 384336। डेसिमल देखो कितने प्लेस के बाद, ये तो हट चुका है 1 2 3, तो 384.336 रुपीज़। ये आपकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 हॉलो कोन्स मेड अप ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, ये आ गई आपकी कॉस्ट, ठीक है। अब हमारा कंसेप्ट है वॉल्यूम का, फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 πr² h। वॉल्यूम के लिए हमें स्लांट हाइट की ज़रूरत नहीं है, वी जस्ट नीड द रेडियस एंड हाइट, वी जस्ट नीड रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन। तो द हाइट एग्जाम्पल 15 में आपको क्या बोला है, द हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कोन आर 21 and 28 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। आपको बोल रहा है हाइट और स्लांट हाइट, अब क्या अभी तक जब तक स्लांट हाइट की ज़रूरत थी एल नहीं दे रहे थे, अब उन्होंने हाइट भी दे दी और एल भी दे दिया, रेडियस नहीं दी। हाइट 21 है और स्लांट हाइट 28 है और वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम के लिए आपको रेडियस चाहिए, तो अब हमें रेडियस के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल की जगह 28 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे माइनस होगा 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हो, तो एक ब्रैकेट में क्या होगा 28 माइनस 21, दूसरे में होगा 28 प्लस 21 इक्वल टू आर स्क्वायर। 28 में से 21 माइनस हुआ क्या बचा 7, 28 और 21 ऐड किया क्या आया 49, तो आर स्क्वायर 49 इंटू 7 है, मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, ये 7 का स्क्वायर रूट है और इस 7 की पेयर नहीं है, तो रेडियस आ गई 7√7। अब वॉल्यूम के फॉर्मूले में रखें, वॉल्यूम हमारा है 1/3 πr² h, तो 1/3 π की जगह 22/7 रेडियस, आर स्क्वायर है, इनफैक्ट आर स्क्वायर की जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ 49 × 7, हाँ 7√7 का स्क्वायर करने के बजाय मैं डायरेक्टली क्या लिख दूँ 49 × 7 और हाइट क्या थी 21, तो 7 7 ज़ा कैंसल, 3 से इसको कैंसिल किया 3 7 ज़ा 21, तो अब 22 7 ज़ा 154 होता है, 154 को 49 से मल्टीप्लाई कर लें आंसर आ जाएगा 9 4 ज़ा 36 बचेगा 3, 59 ज़ा 135 और 3 138 क्रॉस, 4 4 ज़ा 16, 1 15 4 ज़ा 60 और 161, 6 8 6 14 कैरी 1 3 4 5 7, 7 5 4 6 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट क्यूब आएगी वॉल्यूम की, हाँ। तो ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा 7 5
46 सेंटीमीटर क्यूब। इन्होंने 7 रूट 7 लिखा है, मैंने आर स्क्वायर की जगह डायरेक्टली 49 इंटू 7 लिख दिया, बात वही होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन टेंट, बोल रहा है कि साथ उसका जो मोनिका जो है वो एक कैनवास से जिसका एरिया 551 मीटर स्क्वायर है उससे कोनिकल टेंट बना रही है जिसकी रेडियस 7 मीटर है। मान लो कि सारे स्टिचिंग मार्जिन और वेस्टेज वगैरह में जो भी हो रहा है उसका 1 मीटर स्क्वायर मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो हमें एरिया ही दिया था उसमें से 1 कम कर दें तो बचेगा कितना 550 मीटर स्क्वायर। ये क्या होगा इसका CSA, इस कोनिकल टेंट का CSA 550 मीटर स्क्वायर आपका कोन का कोनिकल टेंट का CSA हो जाएगा। हाँ तो बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विथ इट। तो अब हमको टेंट का वॉल्यूम निकालना है तो पहले तो हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। हाँ हमारे पास हाइट भी नहीं है, हमारे पास एल भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ रेडियस है और हमें इसका CSA पता है, हमें CSA पता है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर तो वेस्टेज के लिए निकालना है तो हमने क्या किया 551 में से 1 माइनस किया तो 550 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया CSA। CSA का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल इक्वल टू 550, पाई इज 22/7, रेडियस हमें की बनती 7, एल हमें पता नहीं, दिस इज इक्वल टू 550। 7 वन ज़ा 7, 22 उधर जाएगा डिनोमिनेटर में, एल की वैल्यू क्या हो गई 550/22। 11 का टेबल तो आता ही है सबको, 11 टू ज़ा 11, 5 ज़ा 0, 2 से कैंसिल किया 25, तो एल आपकी क्या आ गई 25 मीटर। पर हमें पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए हाइट, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू एल है 25, आर है 7, 25 और 7 के साथ 24 आता है तो 625 माइनस 49 करेंगे 576 विच इज़ 24 स्क्वायर, तो एच की वैल्यू क्या आ गई 24 मीटर। और यदि आप यहाँ पर वो लगाते हो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये होता 25 माइनस 7 इंटू 25 प्लस 7, 25 प्लस 7 इज 32, 25 माइनस 7 इज 18, तो 18 और 32, 18 इज 9 टू ज़ा और 32 इज 16 टू ज़ा, तो देखो स्क्वायर रूट लेना है ना, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का और 2 टू से एक 2 भी आ गया, 4 थ्री ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, तब भी आपकी हाइट क्या आ जाएगी 24 मीटर, जो भी कंफर्टेबल हो तुम्हें। तो हाइट आ गई 24, आर है 7, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाए आर स्क्वायर एच, तो पाए 22/7, रेडियस है 7 इंटू 7, हाइट आई है 24, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 22 7 सा तो याद ही है अपने को 154, तो हमें 154 को मल्टीप्लाई करना है 24 से, 24 4 ज़ा 96 होता है बचेगा 9, 24 5 ज़ा 120 और 9 आ जाएगा बचेगा 12, 24 1 ज़ा 24 और 12 36, तो आपका वॉल्यूम क्या आएगा 3696 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम आ गया 3696 मीटर क्यूब। ये सॉल्व एग्जांपल है आपकी बुक में। अच्छा 1/3 भी था, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था, तो 3696 को डिवाइड बाय 3 भी तो करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे 1232 मीटर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपकी आ गई एक्सरसाइज 13.7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस एंड हाइट, दोनों दिए हैं तो फॉर्मूला सीधे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 22/7, आर 6 इंटू 6 इंटू हाइट है 7, क्या क्या कैंसिल हो रहा है 7 से 7 कैंसिल, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, बचा क्या 6 टू ज़ा 12, 22 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 12 टू ज़ा 24 बचेगा 2, 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, यूनिट क्यूब में आएगी 264 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया इसका वॉल्यूम। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, इसका फॉर्मूला तो यही है वॉल्यूम का, हमें बोला है रेडियस 3.5, 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं 7/2,
तो 1/3 पाई इज 22/7, रेडियस इज 7/2 इंटू 7/2 और हाइट है 12। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 7 से 7, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इससे पूरा 12 कैंसिल। तो बचा क्या, 22 7 ज़ा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका सेकेंड पार्ट का वॉल्यूम आ गया। थर्ड में हमको क्या बोला है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल। ये कोनिकल वेसल नज़र आ रहा है आपको, कोन के शेप का, इसकी कैपेसिटी निकालनी है जबकि रेडियस और स्लांट हाइट दी हुई है। अब देखो, अभी मैं फिर से नहीं निकालूंगी, अभी मैंने निकाली थी रेडियस 7 है, स्लांट हाइट 25 है, तो हाइट क्या आएगी, जस्ट दो क्वेश्चन पहले निकाली थी, तो हाइट आपकी आएगी 24 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो 1/3 कैपेसिटी ऑफ द कोनिकल वेसल इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई इज 22/7 रेडियस 7 इंटू 7 इंटू हाइट इज 24। तो 3 8 ज़ा 24, 7 से 7 कैंसल बचा। अब आप मल्टीप्लाई, आपकी मर्जी, 7 8 ज़ा 56 को मल्टीप्लाई कर दो 22 से, तो 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 112, फिर आएगा 112 ऐड करेंगे वही आएगा 1 2 3 2। तो वॉल्यूम क्या आ गया, 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हाइट 12 है, स्लांट हाइट 13 है, यहाँ पर रेडियस मिसिंग है, तो 5 और 12 के साथ 13 आती है स्लांट हाइट, तो आपकी रेडियस क्या आएगी, 5 आएगी। हाँ, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अब आप इसको 13 माइनस 12 तो 1 हो गया, और 13 प्लस 12 क्या हो गया, 25, तो 1 × 25 आर स्क्वायर, तो रेडियस क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट भी कर सकता है, या आप ऐसे भी कर सकते थे, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, माइनस किया 25, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो आपकी वैल्यू आ गई 5। अब वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम इज़ अगेन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई इज 22/7 रेडियस 5 × 5 इंटू हाइट इज, हाइट भी 12, 3 4 ज़ा 12। अब मल्टीप्लाई करना है, देखो कैलकुलेशन थोड़ा, 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 होता है यदि आपको पता हो तो आप सीधे इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 हो गया, 22 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 100/7 आ गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 3 ज़ा 21 बचेगा 1, 10 7 1 ज़ा 7 बचेगा 3, 7 4 ज़ा 28, 2 2 7 2 ज़ा 14, 3 1 4.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी वॉल्यूम आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। ये आपकी कोन की हाइट होती है, ये रेडियस होती है, ये स्लांट हाइट होती है, और ये आपका बेस है। तो बोल रहा है हाइट जो है वो है 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस कैलकुलेट करनी है, और पाई की वैल्यू ध्यान देना 3.14 दी है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हमें आर निकालनी है, तो आप चाहो तो फॉर्मूले में अभी इधर ले जाओ कि 3 इधर जाएगा, 3 टाइम्स वॉल्यूम अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। हमने अभी रोटेट कर लिया चीज़ों को, अब हम फॉर्मूला रखें, 3 वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, 1570, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, और हाइट क्या है 15 इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर, ये आपका 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। 157 जो है वो 314 का को 2 से डिवाइड कर दो तो 157 आता है, इसका आधा होता है, तो ये डेसिमल हटाऊंगी मैं ऊपर तो 100 आएगा, 5 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो बचेगा 20, 2 से इसको कैंसिल किया 10 आ गया, ये आ गया 157, तो 157 1 ज़ा ये हो गया 10 ज़ा, 10 × 10, 10 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो रेडियस क्या आ गई 10, यूनिट जो भी थी सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर, तो रेडियस आपकी क्या आ गई
10 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन जैसा तुम्हारा कंफर्ट जोन है, जितने तुम्हें पता है उस हिसाब से कर पाओगे। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई, फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस। हमको बोल रहा है वॉल्यूम जो है वो 48 पाई है, मतलब वॉल्यूम पाई की टर्म में ही दिया है, और हाइट क्या दी है 9, और हमें क्या निकालना है डायमीटर, मतलब वही रेडियस निकालें पहले फिर डबल कर देंगे डायमीटर। तो बेस का डायमीटर पूछा है और हाइट 9 है और इसका वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम इज 1/3 πr²h। तो पाई की वैल्यू पाई ही रहेगी, यहाँ 48 पाई है ना, तो पाई को पाई ही रखेंगे ताकि पाई से पाई डायरेक्टली कैंसिल हो जाए। आर स्क्वायर इंटू एच इज 9, तो 3 3 ज़ा 9, ये कैंसिल हुआ, ये 3 इधर आएगा, तो 48/3 इक्वल टू आर स्क्वायर। 48 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 16, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो आर स्क्वायर 4 स्क्वायर के इक्वल है, मतलब रेडियस क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या होगा 2 टाइम्स आर, मतलब 8 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या हो जाएगा 4 का डबल, तो डायमीटर की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5, टॉप का डायमीटर गिवन है 3.5 मीटर, इस 12 मीटर डीप, इसकी डेप्थ दे रखी है 12 मीटर, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलो लीटर। तो हमको क्या निकालना है इसका वॉल्यूम निकालना है, इस कोन का भी हमको वॉल्यूम निकालना है, और हमें डायमीटर है 3.5, तो डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, तो रेडियस क्या होगी इसका भी हाफ, तो रेडियस क्या हो गई 7/4 मीटर, और हाइट है 12 मीटर, और हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3 πr²h, तो 1/3 π की जगह 22/7, आर 7/4 × 7/4 × हाइट इज 12। एक 7 से 7 कैंसल, 4 3 ज़ा 12 कैंसल, 4 के 2 से ये कैंसल, बचेगा 11 × 7 क्या हो गया 77 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। पर हमसे वॉल्यूम किस में पूछा है किलो लीटर, तो मैंने आपको पहले भी बताया है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं और 1000 को हम किलो बोलते हैं, तो 1 किलो लीटर, तो इसका वॉल्यूम डायरेक्टली क्या हो जाएगा 38.5 मीटर क्यूब की जगह हम क्या लिख देंगे सीधे किलो लीटर, 38.5 किलो लीटर डायरेक्टली आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856, हमें फिर से क्या दे दिया वॉल्यूम है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, डायमीटर 28 है तो रेडियस क्या हो गई 14 सेंटीमीटर। पहले पार्ट में हाइट निकालना है, फिर सी एस ए निकालना है, स्लांट हाइट निकालना है, तो वॉल्यूम 1/3 πr²h होता है। फॉर्मूला में वैल्यू रखें वॉल्यूम की जगह 9856 इक्वल टू 1/3 π इज 22/7, रेडियस की जगह 14 × 14 × हाइट, क्या क्या कैंसिल हो रहा है 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। अब ये सब नंबर इधर जाएंगे तो 9856 के साथ डिनोमिनेटर का 3 आ गया मल्टीप्लिकेशन में, 22 और 2 और 14 आ गए डिनोमिनेटर में, दिस इज इक्वल टू h, जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करें, ये नंबर पक्का 22 से डिवाइड होता है, हाँ ये 14 से भी होता है, तो मैं पहले 2 से कर देती हूँ, चलो 2 1 ज़ा 2 आएगा 49 और 28, अब दिख रहा है, हाँ 7 से दिख रहा है 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28, यदि ऐसा करा तो गड़बड़ हो जाएगी, बीच में 0 होगा, 7 7 ज़ा 49, फिर 2 7 से डिवाइड नहीं होता, तो यू नीड टू पुट अ 0 इन बिटवीन, फिर 7 4 ज़ा 28, अब 2 से फिर कैंसिल हो रहा है, 2 से हम इसको कैंसिल कर दें तो ये क्या आएगा 3 5 2, ये नंबर
22 से पूरा डिविजिबल है, मैं 11 से कर देती हूँ, 11 टू ज़ा 22, 11 थ्री ज़ा 33 बचेगा 2, 11 टू ज़ा 22, 2 से इसको कैंसिल किया 16, 16 और 3 का प्रोडक्ट क्या हो गया 48, तो आपकी हाइट क्या आ गई 48 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में हाइट निकालनी थी, हाइट आ गई 48 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, स्लांट हाइट। तो एल का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर तो 196 होता है और 48 का स्क्वायर तो याद नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो 50 - 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, हाँ हमने जो पॉलीनोमियल्स में पढ़ा था, तो ये होता 2500 प्लस 4 - 2 = 4, 4 5 = 2200। तो 2504 में से 200 माइनस करेंगे तो 2304, तो इसकी वैल्यू होती है 2304। इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया 2500। किसका स्क्वायर है, हाँ 2500 स्क्वायर है 50 का, तो L की वैल्यू क्या आ गई 50 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन डन, H आ गई 48, L आ गई 50। अब थर्ड में हमसे क्या पूछा है, CSA। तो CSA का फॉर्मूला तो अपना होता है पाई आर एल, तो पाई इज 22/7, रेडियस है 14, स्लांट हाइट हमारी आई है 50। 7 2 = 14, 50 2 = 100, 22 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ योर CSA। तीनों पार्ट हो गए, तो सिंपल है, टफ नहीं है, बेसिक फॉर्मूला है, लगाते जाओ आते जाएंगे क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ राइट ट्राइंगल इज ABC, विच साइड, एक राइट ट्राइंगल है ABC विच साइड्स 5, 12 and 13 इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, 5, 12 and 13, तो 90 के सामने हाइपोटेनियस, इसको हमने 12 सेंटीमीटर साइड के अलॉन्ग रोटेट किया, तो ये चीज़ घूम के इधर आएगी, ये इधर रोटेट होगा तो ये इधर आ जाएगा, सी की पोजीशन चेंज होगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोन फॉर्म हो रहा है। हाँ जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये विल फाइंड आउट कि ये कोन बना रहा है, तो ये जो कोन बना रहा है ना, तो इसमें हमने इसको जिस साइड के अलॉन्ग रोटेट किया, हमने ये वाली साइड फिक्स रखी, इट इज़ रोटेटेड अलॉन्ग दिस साइड, तो ये क्या बन गई हाइट और ये क्या बन गई रेडियस, रेडियस हो गई 5, हाइट हो गई 12 और स्लांट हाइट क्या हो गई कोन की 13। तो हमें क्या बोल रहा है, वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया 1/3 πr²h, तो 1/3 पाई को पाई ही रहने दो, यहाँ पर आर आपकी 5 × 5 × height is 12, 3 4 = 12, 25 4 = 100 πr, तो वॉल्यूम क्या आ गया 100 πr। अब आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको बोला है इसी कोन को, अब हमने क्या किया 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अलॉन्ग रोटेट किया, तो 5 के अलॉन्ग रोटेट किया तो 12 क्या बन गई रेडियस और 5 क्या बन गई हाइट, स्लांट हाइट तो अभी भी क्या है 13, तो अब बताओ वॉल्यूम क्या आएगा, तो अब वॉल्यूम क्या होगा 1/3 πr²h, तो 1/3 πr है 12 × 12 × height is 5, 3 4 = 12, तो 5 4 = 20, 20 × 12 240 πr, अब वॉल्यूम क्या हो गया 240 πr। फिर वो बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेंड इन क्वेश्चन 7 and 8, तो 7 में हमारा वॉल्यूम कितना आया था 100 πr और 8th में हमारा वॉल्यूम क्या आया 240 πr, तो हम 100 πr / 240 πr करेंगे, तो देखो पाए से तो पाए कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10 और 24 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं 5 और ये आ गया 12, तो रेशियो क्या आया 5:12। और यदि तुमसे सीधे लास्ट पार्ट पूछा हो तो तुम्हारा क्या होगा 1/3 πr, हाँ 5 × 5 × 12 और नीचे आएगा 1/3 πr² × 12 × 5, ये आता। तब देखो क्या हो रहा है ऐसे केस में, 1/3 πr से 1/3 πr कैंसिल, 1 5 से 1 5 कैंसिल, 1 12 से 1 12 कैंसिल, रेशियो सीधे क्या आ गया 5:12। यदि सीधे ये पार्ट पूछे तो वॉल्यूम अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, और यदि आप वॉल्यूम में यहाँ पर पाए की जगह 22/7 या 3.14 रख लेते तो कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, क्योंकि नंबर
सेवन का डिविजिबल नहीं है, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। अब आपका आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, यस, दिस एक्सरसाइज। फिर हमारा शुरू हो जाएगा स्फेयर, लास्ट शेप। इसमें क्या बोला है, हीप ऑफ व्हीट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। हमने गेहूं को या उठा कर कैसे डाला तो वो कोन का शेप बन गया, जिसका डायमीटर 10.5 है। इसका डायमीटर कितना है, 10.5 मीटर, और हाइट है 3 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट में बोला है भैया इसका वॉल्यूम बताओ, तो डायमीटर 10.5 है, तो रेडियस क्या हो गई, 10.5 अपॉन 2। डेसिमल हटाया, नीचे ज़ीरो आया, नंबर 5 से कैंसिल होता है, कैंसिल करेंगे, 5 4 20 21 5 ज़ा, तो रेडियस क्या हो गई, 21/4। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई इज 22/7, रेडियस की जगह 21/4 × 21/4 × हाइट क्या है 3, तो 21 एक पूरा कैंसिल हो रहा है, 7 3 ज़ा 21, एक 4 का 2 गया यहाँ से 11, तो बचा क्या, 21 3 ज़ा 63, मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो फिर 63, तो ये क्या आ जाएगा सीधे 693 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8, तो 693 अपॉन 8 हो गया, तो 693 को 8 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 8 8 ज़ा 64, बचेगा 5 53 53, 8 6 ज़ा 48 बचेगा 5, 8 7 ज़ा 56, 8 6 ज़ा 48, 2 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 86.625 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। अब आपसे पूछ रहा है द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाई कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। तो कैनवास कहाँ पे लगेगा, CSA पे। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट के लिए CSA मतलब पाई आर एल, एल फिर से नहीं है, तो एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट 21/4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। LCM लेंगे, 441 प्लस 16 9 इज 144 अपॉन 16, तो 16 का स्क्वायर रूट तो 4 हो गया, तो 1/4 रूट में बचेगा, इन दोनों को ऐड किया तो 4 और 1 5 4 4 8 4 और 1 5 रूट 585/4। 585 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 5 से डिवाइड होता है 1 ज़ा 1 ज़ा 17, 13 9 ज़ा है ये, हाँ 9 परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी नहीं है, 9 किसका है 3 का, तो ये क्या हुआ 3/4 रूट 13 5 ज़ा 65। आपकी स्लांट हाइट थोड़ी वियर्ड सी आई है, और रूट 65 से 8 पॉइंट समथिंग, हाँ तो हम इसको यदि 8 ले लें क्योंकि 64 8 होता है, तो 8 पॉइंट समथिंग है, तो 3/4 × 8 यदि मैं कर दूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली स्लांट हाइट की वैल्यू क्या हो गई 6। तो अब मुझे CSA निकालना है, मतलब पाए आर एल, तो पाए है आपका 22/7, रेडियस है 21/4 और स्लांट हाइट हमने ली अप्रॉक्सीमेटली 6, तो 7 3 ज़ा 21, 2 एक इससे कैंसल और एक इससे कैंसल, 3 3 ज़ा 9, 11 9 ज़ा 99 मीटर मीटर स्क्वायर। ये आपका अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, पॉइंट में कुछ आएगा ना, 64 से तो 65 था ना, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। विद दिस योर ना कोन वाला शेप पूरा ओवर, कोन का सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया। कल अब हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, और स्फेयर को कट कर दो तो यू गेट अ हेमीस्फेयर। तो हमारा लास्ट शेप बचा है स्फेयर एंड हेमीस्फेयर। थैंक यू।